अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग केस में। तो चलिए फिर मेरे अंदर एक वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, ये जो खबर है कुवैत से है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली जो चीज़ आ रही है निकल के वो आ रही है, अभी जो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो अभी जो है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ज़हरा एरिया में। अगर आपने भी कहीं पर काम लगाया है किसी भी डोमेस्टिक लेबर के थ्रू तो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इनके पास में कोई भी लाइसेंस वगैरह किसी भी तरीके का नहीं है। तो ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके का, तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखें, किसी भी तरीके से आप इलीगल एक्टिविटी ना करें। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, 9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है अलग अलग केस के अंदर। तो ये भी एक गिरफ्तारी का मसला है। और उसी तरीके से जो है अगर आप कहीं पे कोई भी काम वगैरह करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन से हो, क्योंकि बिल्डिंग लाइन से काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है अभी, जो 11 से 4 के बीच में जो लोग काम करते हैं उनको। तो अगर आप इस तरीके का कहीं काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा सावधानी रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है अभी 2-1 महीने इस तरीके से पाबंदी रहेगी, कानून वगैरह है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, और चाहे वो आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं या फिर लीगल तरीके से रहते हैं, तो भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो भी परेशानी आपको आ जाएगी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।